rotational dynamics. Page book. Page number 25. Okay. Some number 16. So in that sum, during the stern, a cyclist is undertaking horizontal circle inside a cylindrical bell of radius 6.05 meter. If the friction of coefficient is 0.5, what minimum speed should the stern artist maintain? The mass of the artist is 50 kg. If she increases the speed by 20%, how much will the force of friction be? Okay. Now, given values are, given values कौन से हैं? Radius of the cylindrical bell is how much? 6.05 meter. So, you can write here, 6.05 meter. Whatever. Then, friction of coefficient, that means mu. Okay? Which is equal to how much? 0.5. Okay? एक काम कर, ठीक है, अलविदा, नाइट विजिबल, ओके, सो 0.5 व्हाट मिनिमम स्पीड स्टार्ट आर्टिस्ट मेंटेन, दैट मींस वी मिनिमम वी हैव टू फाइंड इट, बराबर, द मास ऑफ द आर्टिस्ट इज 50 किलोग्राम, द मास इज 50 केजी फॉर दैट आर्टिस्ट एंड if she increases the speed by 20%, how much will the force of friction be? So increase the speed by 20%, so delta V, that means increase or change in the speed, which is equal to 20%. Okay? How much will the force of friction be? उसके बाद हम लोग को force of friction find करना है, ठीक है? First of all, ready-made formula for minimum speed कितना है? Formula for मिनिमम स्पीड क्या फॉर्मूला पता है? मिनिमम स्पीड का फॉर्मूला वी मिनिमम इज इक्वल टू म्यू एस आर जे अपॉन म्यू एस, फॉर्मूला है आर जे अपॉन म्यू एस. ओके, ये हम लोग को फर्स्ट पॉइंट करना है. उसके बाद क्या पॉइंट करना है? फोर्स. अगर मेरा चेंज हो रहा है वेलोसिटी में 20% से, तो फोर्स कितना होना चाहिए? ओके, तो हम लोग वो फाइंड करेंगे, ठीक है. अभी इसमें क्या होता है, स्टर्न से मतलब क्या होता है? देखो, हम लोग को पता है कि मोटरसाइकिल स्टर्न कर रहा है, मतलब समझो वो सर्कुलर ट्रैक है, ये सर्कुलर ट्रैक है. तो सर्कुलर ट्रैक में अगर वो हॉरिजॉन्टली सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो उसका मिनिमम स्पीड होना चाहिए ताकि उसका इस सरफेस से या इस सरफेस से या वॉल ऑफ द सिलेंडर से कॉन्टेक्ट छूटना नहीं चाहिए. अगर वॉल ऑफ द सिलेंडर से कॉन्टेक्ट छूट गया तो क्या हो जाएगा? वो गिर जाएगा. दैट मीन्स मिनिमम स्पीड ही शुड मेंटेन. दैट मिनिमम स्पीड इज गिवन बाय वी मिनिमम व्हिच इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जे अपॉन म्यू एस. देयर म्यू एस इज व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. आर इज व्हाट? रेडियस ऑफ दैट सिलिंड्रिकल बेल. जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. ओके, नाउ दिस इज फर्स्ट पार्ट. दे हैव आस्क्ड सेकंड पार्ट क्या पूछा है? फोर्स कितना होना चाहिए? आपका स्पीड कितना भी चेंज होने दो, 20% से होने दो या 40% या कितना भी चेंज होने दो, एज लॉन्ग एज दैट साइक्लिस्ट इज इन कॉन्टेक्ट विद द वॉल, देन इट्स फोर्स विल रिमेन सेम. आपका स्पीड 20% से चेंज होने दो, कितना भी चेंज होने दो. अभी स्पीड इंक्रीज हुआ है ना, क्या पूछा है उसमें? देखो, इफ शी इंक्रीज द स्पीड बाय 20%, मतलब मिनिमम जो है उससे वो इंक्रीज कर रहा है, तो कितना भी इंक्रीज आप करो, आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या रहेगा? सेम रहेगा. ओके, तो इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या रहेगा? एफ इज इक्वल टू एम इनटू जी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. क्लियर है? हियर दे मेंशन दैट जी शुड बी 10. ना, वी हैव टू टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इन्होंने दिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अज्यूम कर. क्लियर? नाउ सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट, वी मिनिमम is equal to root of RG upon VS. Put the values.
लॉग बुक है ना, निकल लॉग बुक। आर कितना दिया है 6.05 मीटर, तो आर है 6.05 इज इन मीटर, सो नो नीड टू चेंज द यूनिट। जी जी कितना दिया है तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को लेने को बोला है, सो दिस 10। व्हाट इज म्यू एस, म्यू एस कितना दिया है 0.5, उधर मिले था 0.5 दिया, ठीक है। ये आगे सवाल करते हैं, विच इज इक्वल टू 6.05 इंटू 10 मतलब कितना आएगा 60.5, वेरी गुड। 0.5 is nothing but 1/2 ना, 1/5 is nothing but 0.2 and 0.5 is nothing but 1/2, so we can write here 60.5 upon 1/2, so 2 इधर आएगा 60.5, okay? So 2 into 60.5, 2 5s are 10, 1 carry, 200 plus 1, 2 6s are 12, 121, and square root of 121 is how much? 11, very good, square root of 121 is 11, so it is V minimum, unit should be 11 meter per second, so ये हम लोगों को मिल गया पहला। अभी दूसरा क्या पूछा है, फ्रिक्शन फोर्स कितना होना चाहिए अगर वेलोसिटी चेंज होता है, ओके? तो हम लोगों ने स्टेटमेंट क्या किया, नाउ एज लॉन्ग एज साइकिलिस्ट ना इज इन कॉन्टैक्ट विद, किससे कॉन्टैक्ट में, कॉन्टैक्ट विद व्हाट, कॉन्टैक्ट विद सरफेस ना, सरफेस ऑफ वॉल, इस फ्रिक्शन फोर्स विल रिमेन सेम और कॉन्स्टेंट, इट्स फोर्स रिमेन व्हाट, कॉन्स्टेंट, सो इरिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड कितना भी हो गया खाली वो डिक्रीज नहीं होना चाहिए, इससे डिक्रीज हो गया तो फिर वो कॉन्टैक्ट नहीं हो जाएगा, लेकिन उन्होंने डिक्रीज किया है कि इंक्रीज किया है, इंक्रीज किया है, तो इंक्रीज इसके ऊपर कितना भी करो उसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितने रहने वाला है, सेम रहने वाला है, उसका फॉर्मूला क्या है, फिर फॉर्मूला है फोर्स ऑफ पैकेट फ्रिक्शन विच इज इक्वल टू एम इंटू जी, एम कितना दिया है उसका मास कितना दिया है 50 और जी आपको लेना है 10, सो 50 इंटू 10 आएगा दैट इज 500 एंड इट्स अ फोर्स सो इट इज इन न्यूटन, ओके अंडरस्टूड। देखो क्या पूछा था हम लोग को दिया था कि साइक्लिस्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है इनसाइड द वेल और सिलिंड्रिकल वेल, देन व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड, वो एक पूछा था हम लोग को, वी मिनिमम इधर लिखा मैं वी मिनिमम इस क्वेश्चन मार्क, व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड इन द रेडियस ऑफ द सिलिंड्रिकल वॉल इज 6.05 मीटर, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.5, इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज यूनिटलेस, इट्स अ कॉन्स्टेंट, मास ऑफ द साइक्लिस्ट इज 50 किलोमीटर, देन व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड, ओके? स्टंट परफॉर्म करने के लिए मिनिमम स्पीड मतलब उसका कॉन्टैक्ट वॉल से छूटना नहीं चाहिए, दैट इज मिनिमम स्पीड, और अगर उसका स्पीड इंक्रीज हो गया कितने से, ओरिजिनल स्पीड से 20% से इंक्रीज हो गया तो फोर्स कितना होगा वो पूछा है, वी मिनिमम स्पीड का आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है जो उन्होंने सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाला, कितना आया 11 मीटर पर सेकेंड, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सेम रहेगा वेलोसिटी इंक्रीज होने के बावजूद भी, उसका जनरल फॉर्मूला है आपका मास इंटू ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन 50 into 10 दैट इज 500 न्यूटन, ठीक है लिख लो कितना है सम नंबर 19 सम नंबर 19 क्या दिया देखो मेटालिक रिंग ऑफ मास 1 kg हैज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 1 kg per 1 kg meter square सो गिवन मास ऑफ रिंग कितना है वो 1 kg, ओके देन इट्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज 1 kg meter square अबाउट इट्स फॉर रोटेशन अबाउट इट्स डायमीटर सो इट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग कितना दिया है 1 kg per meter square
अबाउट डायमीटर, दिस इज अबाउट डायमीटर, इसका मतलब समझ आ रहा है आपको, अबाउट डायमीटर का, अबाउट डायमीटर मीन्स समझ आता है रिंग है, ओके। अभी रोटेशन मोशन में हम लोग को रोटेट तो करना है, ठीक है। तो रोटेशन कैसे होगा, ये अगर ऐसे रोटेट हो रहा है सो दैट इज अबाउट इट्स एक्सिस पासिंग टू द सेंटर, ये आपका एक्सिस है, लेकिन इसमें हम लोगों ने क्या दिया है, अबाउट डायमीटर, अबाउट डायमीटर मतलब क्या, समझो रिंग का ये डायमीटर है, तो अबाउट डायमीटर मतलब वो ऐसे घूम रही है, समझ ना रहा, वो ऐसे घूम रही है। तो अबाउट डायमीटर दिया है हम लोग, कितना दिया है 1 kg m² रिंग के बारे में दिया है। आगे क्या बोला है, इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इन टू थिन यूनिफॉर्म डिस्क। अभी इसको ही उन्होंने क्या किया, मेल्ट किया सर इसी रिंग को, और क्या बनाया, अभी डिस्क बनाया, क्या बनाया, डिस्क बनाया, उसका क्या किया, ऑफ सेम रेडियस, मतलब इसका जितना रेडियस था उतना ही उसका समझो रेडियस है, हाँ ठीक है। व्हाट विल बी द डिस्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हेन रोटेटेड अबाउट इट्स ओन एक्सिस, मतलब अभी समझो ये डिस्क को मैं रोटेट करता हूं, तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, लेकिन ये जो रिंग रोटेट हो रहा है वो अबाउट डायमीटर हो रहा है, और ये जो डिस्क रोटेट होगा वो अबाउट इट्स ओन एक्सिस होगा, ओन एक्सिस इसको बोलते हैं ओन एक्सिस, जो सेंटर से पास होता है एंड इस प्लेन को परपेंडिकुलर रहता है उसको बोलते हैं हम लोग ओन एक्सिस। तो अगर ये डिस्क ऐसे घूमेगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, वो पूछा है डिस्क, तो हम लोग को ये क्वेश्चन मार्क है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग क्या है, दिया है, इस गिवन, ठीक है। अभी मुझे बताओ ये डिस्क को मेल्ट किया बराबर है और बनाया, सॉरी ये रिंग को मेल्ट करके बनाया डिस्क, लेकिन उन्होंने क्या दिया है, इसका जो रेडियस है उतना इसका रेडियस रहेगा, और इसको ही मेल किया उसका ही डिस्क बनाया, तो इसका मास और इसका मास चेंज होगा क्या, नहीं होगा ना, जितना रिंग है पूरे का पूरा क्या किया, मेल किया, मेल करने से मास कम नहीं होता है, और मेल करने के बाद उसका डिजाइन चेंज किया और उसको बनाया डिस्क, तो उसका भी मास क्या रहेगा, सेम रहेगा, इसका मतलब इसका रेडियस और इसका रेडियस सेम है, इसका मास और इसका मास सेम है, इधर तक समझा, ठीक है। देखो इधर लिखता हूं मैं, गिवन में हम लोगों को क्या क्या मेंशन करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग इज 1 kg, मास ऑफ रिंग इज 1 kg, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग इज 1 kg m² अबाउट डायमीटर, ठीक है। और तुमने और बताया है मास ऑफ रिंग इज इक्वल टू मास ऑफ डिस्क, ये क्यों, क्योंकि मेल्टेड एंड व्हाट, रिकास्ट, मास ऑफ डिस्क एंड मास ऑफ रिंग क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। रेडियस ऑफ रिंग एंड रेडियस ऑफ डिस्क सेम है क्या, ये तो दिया है आपको बराबर है, और क्या पूछा है अभी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, क्वेश्चन मार्क, अबाउट व्हाट, अबाउट ओन एक्सिस, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। फॉर्मूला देखो, दो फॉर्मूला लिखता हूं मैं, दो फॉर्मूला लिखता हूं, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट व्हाट, डायमीटर, उसका फॉर्मूला है हाफ एम आर स्क्वायर, समझ में आ रहा है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन वो अगर ओन एक्सिस रहता तो एम आर स्क्वायर आ जाता, लेकिन ये ओन एक्सिस के अबाउट है कि अबाउट डायमीटर है, अबाउट डायमीटर, अबाउट डायमीटर क्या है, हाफ एम आर स्क्वायर, ठीक है। एंड सेकेंड, अभी हम लोग को चाहिए क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क चाहिए, तो डिस्क का अबाउट ओन एक्सिस, ये कैसे चाहिए, अबाउट ओन एक्सिस, उसका फॉर्मूला भी सेम ही है, हाफ एम आर स्क्वायर। अभी देखो आप बोलोगे सर ये आप रिंग के लिए लिख रहे हो इसका मास और दिया आएगा, अभी ये डिस्क के लिए लिख रहे हैं इसका मास और दिया अलग आएगा, अलग अलग है क्या, नहीं है, इसका मास और इसका रेडियस जो है उतना ही इसका मास और इसका रेडियस है, और बाय डिफॉल्ट फॉर्मूले भी सेम आ गए। आप बोलोगे सर दोनों के फॉर्मूले सेम कैसे आ गए, सेम क्यों आए, क्योंकि ये अबाउट डायमीटर है, अबाउट डायमीटर आप निकालोगे तो आपको इतना ही फॉर्मूला मिलेगा रिंग के लिए, और ये किसके लिए है, डिस्क के लिए, लेकिन अबाउट उसका अगर फॉर्मूला चेक करोगे तो आपको मिलेगा हाफ एम आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, सोल्यूशन
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट व्हाट डायमीटर इज इक्वल टू व्हाट इज इक्वल टू व्हाट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटीमीटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस अबाउट व्हाट 4 inches ठीक है लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट डायमीटर आपको तो दिया है कितना दिया है 1 kg/m² तो उतना ही उसका रहेगा सर बोलोगे सर आप फिर इतना क्यों लिखा उधर बताना पड़ेगा फॉर्मूला दोनों का सेम वो बताना पड़ेगा तभी आपको मार्क मिलेंगे ओके ठीक है तो अभी हम लोग इधर डायरेक्ट लिख देते हैं इसका आंसर क्या आएगा फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस इधर फिर से लिखने की जरूरत नहीं है अबाउट ओन एक्सिस एक बार लिख दिया बस हो गया तो वो कितना आ रहा है 1 kg/m² आपका आंसर समझा क्या किया समझा फिर से हम लोग एक बार देखते हैं आपको दिया था एक रिंग ओके और उस रिंग का आपको मास दिया था उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया था अबाउट डायमीटर और आपको बोला था कि ये डिस्को ये रिंग को मेल्ट किया रिकास्ट किया मतलब फिर से बनाया क्या बनाया उसका डिस्क बनाया जिसका रेडियस सेम रखा अभी उसी का डिस्क बनाया इसलिए मास भी सेम रहेगा ओके और इस डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओन एक्सिस पूछा है ठीक है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ऑफ रिंग अबाउट डायमीटर ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट ओन एक्सिस ये है लेकिन इधर से आप लोगों को पता चलता है रिंग का मास जिसका मास सेम है रिंग का रेडियस एंड डिस्क का रेडियस सेम है ये दोनों भी सेम रहेंगे इसलिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का है अबाउट डायमीटर वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का रहेगा अबाउट ओन एक्सिस इसलिए उसका आंसर आया सेम जो इधर लिखा है वो 1 kg/m² क्लियर है लिख लो ये बॉडी रोल्स डाउन अलॉन्ग एंड इंक्लाइन दैट राइजेस बाय 3 in every 5 इसका मतलब क्या है इंक्लाइन रोलिंग मोशन और इंक्लाइन प्लेन भी आपको पार्ट है बराबर ना ओके समझो ये बॉडी है ऑब्जेक्ट कौन सा है पता नहीं है जैसे एक ऑब्जेक्ट है वो रोल हो रहा है किससे रोल है रोल हो रहा है रोल डाउन अलॉन्ग एंड इंक्लाइन दैट राइजेस बाय 3 in every 5 इसका मतलब क्या है जो आपको दिया है ना राइजेस बाय 3 in every 5 इसका मीनिंग होता है अगर ये 5 है तो ये 3 है समझ आया इसका मीनिंग क्या हुआ अगर ये प्लेन अगर 5 इतना यूनिट है तो ये जो हाइट दिया है वो कितना है आपका वो है आपका 3 इसका इतना ही मीनिंग है ज्यादा कोई इसका मीनिंग नहीं है ठीक है और इतने एंगल से समझो उसको इंक्लाइन किया है ये बात दिया है और क्या दिया है देखो द बॉडी गेन्स अ स्पीड ऑफ √10 m/s एज इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 5/3 m मतलब उस बॉडी का स्टार्टिंग उसका रेशियो में u = क्या आएगा 0 आएगा अगर वो समझो इतना डिस्टेंस कवर करती है l इतना तो l इतना डिस्टेंस कितना कवर किया है 5/3 m देखो आप टेक्स्टबुक में देखो ठीक है तो वो कितना दिया है 5/3 m कवर किया है इधर से इधर तक और इधर से इधर आने तक उसका स्पीड कितना बन गया है द बॉडी गेन्स अ स्पीड कितना स्पीड गेन हुआ है √10 m/s इसका मतलब इधर आने के बाद उसका स्पीड हो गया है √10 m/s मतलब आपको क्या कह दिया देखो ये 5 दिया है ये 3 दिया है ये आपको इनिशियल रेस्ट बोला है ना स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट तो इसका मीनिंग है u = 0 समझो l = 5/3 m इतना डिस्टेंस कवर किया उस डिस्टेंस को कवर करने समय उसका स्पीड बढ़ गया और वो कितना बन गया √10 m/s लेकिन अभी पूछा गया हम लोग को व्हाट कैन बी द पॉसिबल शेप ऑफ द बॉडी मतलब ये बॉडी का शेप क्या रहेगा सर रिंग रहेगा डिस्क रहेगा स्क्वायर रहेगा क्या शेप रहेगा ठीक है अभी आप लोगों सर कैसे पता चलेगा ये डेटा से देखो आपके पास एक टर्म रहता है k² / r² k मतलब उस ऑब्जेक्ट का रेडियस ऑफ डायरेक्शन k मतलब उस ऑब्जेक्ट का रेडियस ऑफ डायरेक्शन r मतलब उस ऑब्जेक्ट का ओरिजिनल रेडियस रेडियस ऑफ डायरेक्शन ओरिजिनल रेडियस का फर्क है
और ये फैक्टर का वैल्यू क्या आता है उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि वो बॉडी का शेप क्या है। ठीक है, एक बार आप अपने टेक्स्ट बुक में चेक करोगे, ये देखो, तो जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 20 पे दिया है कि इसके अपन आर स्क्वायर के वैल्यूज क्या क्या होते हैं अलग अलग शेप के। अगर आपका शेप रिंग है तो आपका ऑब्जेक्ट रिंग है, या फिर होलो सिलेंडर है आपका स्क्वायर अपन आर स्क्वायर का वैल्यू बनाना चाहिए 1। अगर आपका ऑब्जेक्ट डिस्क है या फिर सॉलिड सिलेंडर है आपका के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 1/2। अगर आपका ऑब्जेक्ट होलो स्फीयर है तो के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर का वैल्यू है 2/3। तो हम लोग को क्या पूछा है इस समय कि उस ऑब्जेक्ट का शेप क्या है, इसका मतलब हम लोग को क्या फाइंड करना है के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर कितना है वो फाइंड करना है। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सो गिवन ये सब ऑलरेडी हम लोगों ने लिखा है, जस्ट यू हैव टू राइट हियर गिवन u is equal to 0, n is equal to 5/3 meter, v is equal to root of 10 meter per second। अब ये 5/3 and 5 का क्या मतलब है? ये आपको साइन थीटा का चेंज है। देखो साइन थीटा मीन्स व्हाट? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये 3/5 इसका मीनिंग ऐसे होता है, n इज इक्वल टू 5/3 मीटर ये अलग है, और हर एक 5 को ये 3 कवर करेगा, इसका मतलब होता है हर एक 5 को 3 कवर करेगा, तो इधर आएगा 5, समझा? तो ये वैल्यू से आपको पता चलेगा इट इज 3/5, मतलब ये अगर 5 आता है तो ये कितना ऊंचा जाएगा? 3 ऊंचा जाएगा, उसका इतना मिलेगा। और ये टोटल डिस्टेंस 5 नहीं है, उन्होंने एक रेशियो दिया है कि अगर ये 3 से बढ़ता है तो ये कितने से बढ़ेगा? 5 से बढ़ेगा, ऐसा एक रेशियो दिया है। ठीक है, तो ये इधर ऐसे लिखोगे तो आपको लगेगा इसका वैल्यू दिया है, वो वैल्यू नहीं दिया है, वो ये क्या दिया है? जस्ट रेशियो दिया है, रिलेशन दिया है इंक्लेन प्लेन एंड ये इंक्लिनेशन या फिर ये एलिवेशन जो है उसका रिलेशन दिया है, वो कितना आया? 3/5। ठीक है, और ये डिस्टेंस 5/3 मीटर डायरेक्ट दिया है, सो एड आपको दिया है डिस्टेंस 5/3 मीटर। अभी आप सर इसका यूज कैसे करेंगे? आपके पास रेडीमेड फॉर्मूला है रोलिंग मोशन के लिए, आप टेक्स्ट बुक में चेक करो रोलिंग मोशन के लिए। V is equal to, रेडीमेड फॉर्मूला बताओ मुझे क्या है? बताओ रेडीमेड फॉर्मूला क्या है? V is equal to, चेक करके बताओ, रूट में टर्म है, चेक करके बताओ, रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन, V is equal to, पीछे है, पीछे बराबर, वेरी गुड, 2gl अपॉन 1 + a² और कुछ टर्म है? उतना ही टर्म है। ओके, तो हम लोग को इधर एल साइन थीटा लेना पड़ेगा, इन जनरल क्या लेना पड़ेगा? एल साइन थीटा है रूट ऑफ 2gl एल साइन 2gl साइन थीटा डिवाइड बाय 1 + a² अपॉन आर स्क्वायर। अभी ये इसमें हम लोग को भी दिया है, हम लोग को साइन थीटा दिया है, हम लोग को एल दिया है, हम लोग को जी दिया है, जी हम लोग को 10 लेना है, अपन आप स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, और उससे हम लोग को क्या पता चलेगा? इस वैल्यू से हम लोग कंपेयर करेंगे और उसके हिसाब से बताएंगे कि शेप एग्जैक्टली आपके ऑब्जेक्ट का कौन सा है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? फॉर्मूला हो गया। ओके, हम लोग को क्या बताना है? के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू। सॉल्यूशन में स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन को v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 × 10 × बताते n इज इक्वल टू 5/3 एंड साइन थीटा इक्वल टू 3/5 बराबर 1 + a² अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम लोग को फाइंड कर रहे हैं, ये अभी ये रफ कर देता है, इसमें ये पार्ट स्क्वायर के अंदर है, इसको अगर ऑप्टेन करना है तो दोनों साइड का स्क्वायर लेना पड़ेगा। सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स तो क्या बनेगा? ये वी स्क्वायर बनेगा बराबर, और ये स्क्वायर साइन निकल जाएगा, तो क्या बचता है? देखो 2 × 1 मीटर
ओके सो टू इंटू टेन और इंटू वन ये कैंसिल हो जाएगा, टू इंटू टेन 20 डिवाइड बाय 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बराबर ठीक है। अभी हम लोग को के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर फाइंड करना है, ये टर्म में ऊपर देता हूँ, इधर बी का वैल्यू हमने दिया है वो भी मैं पुट कर देता हूँ इस स्टेप में, कितना जाएगा का वैल्यू रूट टेन का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या बचेगा वो अभी 10 हो जाएगा, इधर 20 डिवाइड बाय 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ये टर्म ऊपर ले जाएंगे 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर दिस इज इक्वल टू हाउ मच 20 अपॉन 10 जीरो जीरो गया मतलब 2 आया, ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 1 बराबर ना, ये 2 बचेगा और ये 1 उधर जाकर माइनस बनेगा तो क्या मिलेगा ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सी वी गॉट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एज 1, इधर देखो ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अगर 1 है तो ऑब्जेक्ट कौन सा है फॉर रिंग एंड होलोसिलेंडर, इसका मतलब आपके ऑब्जेक्ट का शेप आइदर रिंग है या होलोसिलेंडर है, सो देयरफॉर शेप ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट इज व्हाट आइदर रिंग और व्हाट होलोसिलेंडर, समझ में आया पक्का ठीक है। तो ये आपको पहले डायग्रामेटिकली थोड़ा सा अज्यूम करना है क्या क्या आपको दिया है रोलिंग मोशन में क्या क्या टर्म्स आते हैं ठीक है। जनरल फॉर्मूला में इधर साइन थीटा होता है जनरल फॉर्मूला में ठीक है, तो यू एल वी साइन थीटा जी सब दिया था और हम लोग को शेप पूछा था, शेप मतलब कुछ अलग नहीं है ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर पूछा, तो ये फॉर्मूला रेडीमेड है उसका यूज किया ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर निकाला और उससे कंपेयर करने के बाद हम लोग को पता चला कि दिया हुआ शेप आइदर रिंग है या फिर होलो सिलेंडर है, क्लियर लिख दो ये।